जहाँ पे आप सेंड किए गए मैसेज को डिलीट कर सकते हैं, जहाँ पे वो मैसेज आपके फोन में डिलीट होने के साथ साथ सामने वाले के फोन में डिलीट हो जाएगा और जिसके बाद सामने वाला उस मैसेज को दोबारा रीड नहीं कर पाएगा। सो इस ट्रिक के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है जीबी व्हाट्सएप, जो कि व्हाट्सएप का एक मॉडर्न वर्जन है और सेम व्हाट्सएप की तरह वर्क करता है। एंड डोंट वरी, ये 100% सेफ है। सो इस ऐप का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब यहाँ पे मैं आपको इन दो फोन्स को यूज करके प्रैक्टिकली इस ट्रिक के बारे में बताता हूँ। सो मैं यहाँ पे राइट साइड वाले फोन में जीबी व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ और लेफ्ट वाले फोन में एक नॉर्मल व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं कि दोनों ही व्हाट्सएप में कोई डिफरेंस नहीं है। सो यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड वाले फोन से राइट साइड वाले फोन पे मैसेज सेंड किया है। सो मान लीजिए अगर आप इस मैसेज को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली उस पर टैप करके रखना है एंड देन आपको ऊपर के तीन डॉट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा रिकॉल का, तो आपको सिंपली रिकॉल पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो आपका मैसेज है वो डिलीट हो जाएगा और साथ में सामने वाले के फोन से भी ये मैसेज डिलीट हो जाएगा एंड देन सामने वाला इस मैसेज को दोबारा अपने फोन में पढ़ भी नहीं पाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि दिस मैसेज वॉज डिलीटेड एंड आपके फोन में लिखा हुआ आएगा कि यू रिकॉल्ड दिस मैसेज। सो अगर आपको सेंड किए गए मैसेज को डिलीट करना है तो सिंपली आपको मैसेज पे टैप करके रखना होगा और ऊपर तीन डॉट पे क्लिक करना है एंड देन आपको रिकॉल पे क्लिक करना है। तो इस तरह से ये मैसेज आपके फोन में डिलीट हो जाएगा और सामने वाले के फोन से भी ये डिलीट हो जाएगा। सो व्हाट्सएप के इस फीचर को यूज करने के लिए सिंपली आपको इस ऐप को नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करना है एंड इस ऐप को यूज करके आप सेंड किए गए व्हाट्सएप मैसेज को सिंपली डिलीट कर सकते हैं। सो काफी लोग इस बारे में पूछ रहे थे एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और साथ में इस वीडियो को व्हाट्सएप एंड फेसबुक पे जरूर शेयर करना ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस फीचर को यूज कर पाए और